hey guys welcome back to my channel and uh, this is going to be the second last video for chapter number two after this you will have one more video for the family business and you will be done with the chapter number two i'll try to make it short i'll try to keep it short as much as interesting as possible and uh, let's see how much we can do and how आप लोगों को समझ में आता है और कितना मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाती हूँ कॉन्ट्रो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इज एन ईजी कंसेप्ट एंड इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है पी ठीक है तो सबसे पहले ये होता क्या हमने देखा था सोशल ऑन्टरप्रेन्योरशिप में हमारा क्या था मेन कि हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं था हमारा था सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एंड फाइनली उनसे एक इश्यू सॉल्व करना एंड सोसाइटी पे इम्पैक्ट बनाना सो so, हमारा एक बहुत ही तगड़ा विजन होना चाहिए एंड हमारा प्रॉफिट इतनी चिंता नहीं थी बट वेन इट कम्स टू द कॉरपोरेट ऑन्टरप्रेन्योर्स वी हैव प्रॉफिट द मेन मोटिव ठीक है सो so, हमारे दिमाग में क्या घूमता है प्रॉफिट घूमता है ठीक है कॉर्पोरेट ऑनट्रप्रन होते कौन है सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग इनोवेशन विद विद इन इन विदिशन ऑर्गेनाइजेशन तो आप क्या कर रहे हो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन प्रमोट कर रहे हो और अब वो कैसे कर रहे हो आप इंप्लॉयिज को इन्वॉल्व कर रहे हो कि भाई तुम न्यू अपॉर्चुनिटी सीख करो नए प्रोडक्ट्स बनाओ नया इनोवेशन करो नई सर्विस लाओ एंड इट शुड अलाइन विद कंपनीज गोल्स ठीक है दिस अप्रोच अलाउस कंपनीज टू स्टे कॉम्पिटेटिव एंड फॉर चैलेंजिंग मार्केट बाई फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड सो बेसिकली क्या करते हैं हम अपने कल्चर में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा इन्वायरमेंट एक ऐसा कल्चर सेट करते हैं दैट एक्चुअली अलाउज आर एम्प्लॉयज टू थिंक अबाउट क्रिएटिव आइडिया ठीक है तो हम क्या करते हैं हम उन्हें मोटिवेट करते कि भाई सोचो नया प्रोडक्ट के बारे से सोचो बताओ क्या इनोवेशन ला सकते हैं बताओ कंपनी को क्या नया करना चाहिए तो ये खुद सोचो ये कंपनी के लिए क्यों जरूरी है कंपनी के लिए ये इसलिए जरूरी है बिकॉज आज के टाइम में अगर तुम जेंजीज देखो दे आर द वस हु मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज दे विल्स थिंकिंग इन एन इनोवेटिव वे टू मैक्सिमम एक्सटेंड ठीक है वो कुछ करके दिखाने की इच्छा रखते हैं एंड आज के टाइम में ऑफिस of में काम कर रहे हैं ठीक है तो ऑफिस वाले ही उन्हें क्या देते अपॉर्चुनिटी देतेमोट you know, करते कि भाई ठीक है कोई बात नहीं तुम तो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे चलो ठीक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रह के हम तुम्हें यू you नो know, एक अपॉर्चुनिटी uh, देते कि तुम करके दिखाओ ठीक है यू डू समथिंग इससे क्या होगा तुम्हारा भी फायदा कि तुम्हारा प्रोडक्ट इंप्लीमेंट होगा तुम्हारे आइडियाज इम्प्लीमेंट होंगे एंड सेकेंडली हमें भी फायदा होगा कि हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे मार्केट में ठीक है सो हम क्या करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रिस्क लेने में यू नो मोटिवेट करते हैं उन्हें कहते हैं कि भाई चलो नए आइडियाज लेकर आओ आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट गूगल गूगल हैज़ अ पॉलिसी वॉट ट्वेंटी परसेंट टाइम उसमें क्या होता है हम अपने इम्प्लॉइज को बोलते हैं कि आप ट्वेंटी परसेंट टाइम अपना इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में लगाओ एंड इसकी वजह से ही गूगल मैप्स एंड जी मेल आया था तो कैन यू सी कि जब हम ऐसा कल्चर प्रमोट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या इनोवेश आइडियाज क्या, और क्या बढ़िया फैक्ट्स आते हैं और समटाइम्स आई थिंक यू नो कंपनी में लेट्स से इफ यू हैव सीन शार्क टैंक उसमें भी आई गेस व्हाट्स इज नेम मैन कार देखो का माल अनु नहीं 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 आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट पर्सन नेम यार जिसने निशहर के साथ डील की थी क्या नाम था कि एकदम से मैं भूल गई ठीक है जि, जिसने निशहर के साथ डील करी थी ठीक है तो उसका क्या था उसने अपनी एक बार शार्क टैंक में बताया था कि मैं अपने इम्प्लॉयज को मोटिवेट रखता हूँ कि भाई तुम नए आइडियाज लाओ मैं सुनूंगा ठीक है तुम नई अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करो तुम तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है ठीक है सो दिस इज हाउ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक टीम एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेश इंडिविजुअल्स कैसे नए नए आइडियाज को प्रमोट किया जाता है ना वॉट आर दी दैरक्टरिस्टिक्स यू शुड हैव एक एक लाइन में opportunity recognition corporate entrepreneurs have a keen eye for identifying new market gaps for example agar aaj main zomato ki baat karu kya pata wo zomato green kisi ek employee ka idea ho so they are actually seeking opportunities in the market innovation जब तक तुम अपने employees को allow नहीं करोगे innovative ideas उनके end से नहीं आएंगे fine so you this is the new way to embrace innovation to initiate innovation in your कंपनी रिसोर्सफुलनेस गाइस अगर ऑर्गेनाइजेशन ट्वेंटी परसेंट टाइम दे रहा है लेट्स से गूगल तो उन्हें रिसोर्स भी दे रहा होगा चाहे वो फिनेंस हो चाहे वो टाइम हो ठीक है सो so, अगर जब तक उन्हें रिसोर्स नहीं मिलेंगे उनका आइडिया हमेशा आइडिया रहता जाएगा तो कॉर्पोरेट ऑन्टरप्रनियोरशिप क्या इंश्योर करती है दे गेट द इनफ रिसोर्सेज सो दैट उनके जो आइडियाज है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो

इंडिविजुअल ऑन्टरप्रेन्योर हो तुम्हें बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जब जाके तुम एक बिजनेस सेटअप कर पाओगे बट वहाँ पे क्या है तुम्हें सारे रिसोर्सेस मिल रहे हैं तुम जितना रिस्क लेना चाहते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी पॉलिसी तुम ले सकते हो ठीक है सो so वहाँ पे आपका रिस्क कवर हो जाता है देन प्रोएक्टिवनेस

ओके इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग सो वेन यू आर राइटिंग सिग्निफिकेंस यू कैन बी बिट स्मार्ट ठीक है थोड़े से स्मार्ट बनना सीखो सिग्निफिकेंस में इम्पोर्टेंस में तुम मेरिट्स लिख दो अगर तुम वापस फिर से सुनना चाहते हो मैं एक बार बुक से रीड कर देती हूँ दैट सिग्निफिकेंट इट एक्चुअली बूस्ट द इम्प्लॉयज मोरॉल इंक्रीजिज इम्प्लॉय अटेंशन एंड रिक्रूटमेंट रिटेंशन मतलब वो एक कंपनी में कितने समय रहता है ड्राइव्स रिवेन्यू एंड ग्रो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो थ्रू इनोवेटिव आइडियाज ऑब्वियसली अगर इनोवेटिव आइडियाज आएंगे इनोवेशनस आएंगे नए प्रोडक्ट आएंगे नए सर्विसेज आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा और इम्प्लॉय भी ग्रो करेगा तो इसकी वजह से ये जरूरी है तो क्यों जरूरी है इज इक्वल टू फायदा ठीक है सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर कि भाई सिग्निफिकेंस में पॉइंट्स क्या थे और यू you नो know, उसमें क्या थे यू कैन राइट द मेरिट ना वॉट आर दी डी मेरिट्स सबसे पहले हम डी मेरिट्स करते हैं फिर हम मेरिट्स पाएंगे सो कॉर्पोरेट ऑन्टप्रनोरशिप का फायदा क्या है वाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन वाई डू यू थिंक उसे गूगल को ट्वेंटी परसेंट टाइम देना फायदेमंद लगा बिकॉज गूगल उस बीस परसेंट में बहुत कुछ करवा सकता था अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा उन्हें यूटिलाइज कर सकता था अपने काम के लिए अपने सब के लिए बट उसने क्या किया उसने एम्प्लॉयज को कहा कि भाई तुम जाओ और अपना सोचो अपने इनोवेशन के बारे में सोचो और काम करो ठीक है काम की चिंता मत करो बीस परसेंट टाइम इज योर टाइम तो ऐसा क्यों किया वाई डू यू थिंक गूगल डिड दिस

आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका देती है अगर वो उसे मौका ही नहीं मिला तो वो क्या सोचेगा और क्या करेगा ठीक है सो आउट ऑफ बॉक्स से ही कंपनी बन जाती है ठीक है एक कंपनी को यूनिकॉर्न बनने के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया चाहिए होता है फॉर एग्जाम्पल जोमैटो ने जो अभी ग्रीन वेज के लिए एक अलग सोच के किया है इसने स्विगी से फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया आई एम श्योर विद इन सम टाइम हम ये ऑप्शन स्विगी पे भी देख लेंगे बट जोमैटो फर्स्ट थॉटेड उसका आइडिया फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो उसका इनोवेशन उसकी ग्रोथ इनहेंसेस इंप्लॉय इंगेजमेंट एंड रिटेंशन तुम ऐसी कंपनी में रहना चाहोगे जहां पे सिर्फ तुम काम करने जा रहे हो काम करने जा रहे हो वही मनोटनस काम या ऐसी कंपनी जो तुम्हारे आइडियाज़ को सपोर्ट कर रही है प्रमोट कर रही है जो तुम्हें इंकरेज करिए कर बात नहीं काम हो जाएगा तो बीस परसेंट सोच अपना काम कर अपना देख अपनी इनोवेशन का अपने प्रोडक्ट्स का ठीक है तो तुम उसी कंपनी में रहना चाहोगे आज के टाइम में अगर मैं तुम्हें गूगल या दूसरी कंपनी में ऑप्शन दू तुम आग बंद करके गूगल लोगे ठीक है

स्कूटर्स आ गए हैं ओला के ठीक है तो उस पर्टिकुलर इम्प्लॉय की आइडिया की वजह से आज ओला सिर्फ टैक्सी में नहीं स्कूटर्स में भी जा रही है तो देख रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आइडिया बिकॉज ऑफ द दैट पॉलिसी ऑफ योर कंपनी यू हैव एंडेड अप हैविंग अ रिवेन्यू स्ट्रीम ओके okay. सो so, तुमने क्या किया अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड किया प्लस रिवेन्यू स्ट्रीम डाइवर्सिफाई करी इंक्रीजेस ऑर्गेनाइजेशन एजिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑब्वियसली यू बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन हो रहे हैं एंड नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस आ रहे हैं इनहैंसेज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्विगी वर्सेज जोमैटो बीन द बिगेस्ट एग्जाम्पल दट आर दाइप सबसे पहले आता है आपका इंट्रोप्रन्यिंग ठीक है क्या होता है इंटरप्रन्योरिंग सो वो क्या होता है गाइस ये ना एक बार बस रीड कर लो आई हैव हैव इंक्लूडेड इंक्लूडेड द डेफिनेशन एंड आई द एग्जाम्पल चलो एक बार साथ में डिस्कस करते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल ओके लेट्स ट्राई इंटरप्रन्योरिंग में क्या होता है जैसे मैंने बोला कि इट रेफर्स द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉयज विद इन द कंपनी हम उन्हें प्रमोट करते हैं ठीक है दिस इज सिंपल ट कॉर्पोरेट वेंचरिंग क्या होती है इट इन्वाल्पल समझाती हूँ मैनुफैक्चर इन्वेस्ट स्टार्टअप डेवलपिंग इलेक्ट्रिक वहीकल्स तो टाटा ने टाटा ने अभी क्या किया टाटा ने अभी नई ईवी कार्स बनाना स्टार्ट कर दिया राइट right? क्यों क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है इन द ईवी सेक्टर तो यहाँ पे हमने क्या किया हमने इन्वेस्टमेंट करी नए वेंचर में या तो इंटरनली या एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म करते हैं कैसे लेट से हमारी एक रिटेल चेन थी हम चलते जा रहे थे बट हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया इनटू टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देन इंडस्ट्रियल रूल पेंडिंग इन इनवॉल्व इट इन वैलेंजिंग और सर्कमेंटिंग इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री नॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल देखो सिंपल समझो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो दवाइयाँ बेच रही थी सब कुछ कर रही थी बट उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि हम एक नया अप्रोच लाते हैं हम पिल्स और इंजेक्शंस की जगह वियरेबल टेक्नोलॉजी से लोगों की बॉडी में यू नो इन मेडिसिन पर जाएंगे सो दिस वॉज समथिंग दैट वॉज डिसरप्टिव फॉर द टेक्नोलॉजिकल फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी तो बेसिकली हमने क्या किया एंटरप्रनोरिंग में हमने एक एक्टिविटी कंसिडर करी विच कैन बी कंसिडर एज एन एक्टिविटी एंड हमने उस पर्टिकुलर ऑनप्र को अपने बिजनेस के लिए यूज किया किया। और इनोवेशन को अचीव कॉर्पोरेट वेंचरिंग हमने एक नया का नया बिजनेस यू नो एस्टैब्लिश किया विद अ न्यू प्रोडक्ट टाटा इंटू टाटा व्हीकल्स ईवी व्हीकल्स ऑर्गेनाइजेशनल जहां पे हमने पुराने बिजनेस को मॉडिफाई किया अब या तो आप ई e कॉमर्स पे या कभी कभी बोलते हैं डाउन साइजिंग मतलब रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंप्लॉय अपग्रेडिंग रिडक्शन कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट इंक्रीज तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है और ये क्यों होती है बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स ठीक है देन इंडस्ट्री रूल बेंडिंग जहा पे हमने अपने एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के प्रॉपर एक नया टगरी ऑफ ऑनटरप्रोरशिप जनरेट्स एंड न्यू आइडियाजेंस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल जब हम माइक्रोसॉफ्ट एप्पल की बात करते हैं वो नए नए प्रोडक्ट लाते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन लाते हैं इन द मार्केट सो इसे क्या बोलते हैं इंक्यूबेटिव ऑनटरप्रोरशिप इट तुम्हेंटिकुलर टॉपिक तो टाइप्स हो गए मेरिट्स हो गए डी अच्छा, मेरिट्स हमने डिस्कस नहीं करे डी मेरिट्स कर लेते हैं तो इसके नुकसान क्या है सबसे पहला नुकसान होता है आपका रेजिस्टेंट टू चेंज फॉर एग्जाम्पल आपकी So, uh, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती आ रही है बीस साल से आप इक्कीस साल में जाके वो बहुत ही रेजिस्टेंस होंगी कि ऐसी कोई नई पॉलिसी आए ठीक है दे मे नॉट बी एबल टू टेक एन इनिशिएटिव फॉर दॉरपोरेट ऑनटरप्रेनियरशिप ब्यूरोक्रेसी गाइज इतना आसान नहीं होता बाई बिकॉज आपके यहाँ पे सीनियर्स बैठे हैं मैनेजर बैठे हैं सीनियर मैनेजर बैठा पूरा बोर्ड बैठा है पूरा शेयर होल्डर्स बैठे हैं तो बहुत ही ज्यादा हरियार है ऑर्गेनाइजेशन में से आपने कोई प्रोडक्ट बना भी लिया आप उसका अप्रूवल कितना टाइम लगेगा उसमें अप्रूवल लेट से आपको दस हजार चाहिए वो दस हजार के लिए कितना अप्रूवल लगेगा ठीक है बिकॉज ऑफ दैट हरियार की आपकी स्पीड कम हो जाती है रिसोर्स एलोकेशन कई बार ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाती रिसोर्स ठीक है गूगल बहुत बड़ी कंपनी है मल्टी मैनेजर टू गिव यू लाइक इन और टाइम ठीक है बिकॉज you like आपको उसने रिक्रूट किया है क्यों किया है अपने काम के लिए किया हुआ है तो उसकी ये भी मेंटालिटी हो सकती है भाई तू प्लीज ये सब घर जाके करियो अभी मेरा काम कर ठीक है तो रिसोर्स एलोकेशन कॉन्फ्लिक्ट विद द कोर बिजनेस फॉर एग्जाम्पल जोमैटो में इंप्लॉय जोमैटो ग्रीन के बारे में सोच रहा था मतलब वेज नॉन वेज ठीक है वॉट ही हीज कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया विच इज नॉट रिलेटेड टू द कोर बिजनेस फिर सो समटाइम्स इट एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट विद बिजनेस पता चला वहां पर बीस परसेंट टाइम तो गूगल ने दे दिया बट वो माइक्रोसॉफ्ट के आइडियाज कॉपी कर रहे हैं या समथिंग विच इज एक्चुअली नॉट रेलिवेंट टू द गूगल

Please don't subscribe uh, please don't forget to subscribe to my channel and have a great day all the best bye bye